हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। फॉर्म्स ऑफ ड्रामा का हम अध्ययन कर रहे थे और आज के इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं द वन एक्ट प्ले एंड क्रॉनिकल प्ले। ये हमारे लास्ट के दो रह गए थे और ऊपर के सारे कंप्लीट हमारे हो चुके हैं। ये सारे के सारे प्री एलिजाबेथन, ट्रेजेडी, मेलोड्रामा, कॉमेडी, पोइटिक प्ले, ड्रामेटिक मोनोलॉग, प्रॉब्लम प्ले, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर ये देख सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ ड्रामा करके जो प्ले लिस्ट है उसमें आप ये सारे देख सकते हैं। और आज के इस लेसन में हम कंप्लीट करने वाले हैं द वन एक्ट प्ले एंड द क्रॉनिकल प्ले। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो और इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल भी इसके हम द वन एक्ट प्ले। जैसे कि इसके नाम में ही छुपा है फ्रेंड्स, वन एक्ट के प्ले होते हैं क्योंकि ये इसलिए अलग से आए हैं क्योंकि ये मॉडर्न है। पहले जो चलते थे फाइव एक्ट के प्ले चलते थे और थ्री एक्ट के प्ले आए धीरे धीरे, और अब जो है मॉडर्न टाइम जो चल रहा है वन एक्ट प्ले उसमें ज़्यादा पॉपुलर है। तो क्या होता है ये वन एक्ट प्ले देख लेते हैं इसके बारे में। द मॉडर्न वन एक्ट प्लेज वर स्टार्टेड बाय द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी के मिडिल में स्टार्ट हुए थे। अ वन एक्ट प्ले इज़ अ शॉर्ट ड्रामेटिक कंपोजिशन इन वन एक्ट ओनली। वन एक्ट में ही ये पूरी ड्रामेटिक कंपोजिशन होती है, जो एक ड्रामा होता है वो वन एक्ट में ही होता है। नाउ द वन एक्ट प्ले हैव बिकम सो पॉपुलर दैट दे हैव ड्राइवन द फुल फाइव एक्ट प्लेज इन टू द बैकयार्ड। आज के समय में वर्तमान में वन एक्ट प्ले ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं और इन्होंने फाइव एक्ट प्ले को पूरी तरह ही पीछे छोड़ दिया है। वर्तमान समय में वैसे भी फ्रेंड्स समय की बहुत कमी होती है, लोग वन एक्ट प्ले देखने को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। वन एक्ट प्ले इज़ नाउ अ कम्प्लीट टाइप ऑफ ड्रामा इन इट्सेल्फ, और ये अपने आप में कम्प्लीट ड्रामा होता है, इसमें कोई कमी भी नहीं होती है। जिस तरह से दिखाना होता है कहानी को वो पूरा अपने आप में ये दिखाते हैं ड्रामा एक एक्ट के प्ले में। इट इज़ कम्पैक्ट एंड वेल निट विदाउट अ सिंगल सुपरफ्लो सेक्शन और डायलॉग। देखिए अपने आप में बहुत ही अच्छे से कहानी इसकी जो होती है कॉम्पैक्ट मतलब बहुत ही दृढ़ होती है, वेल निट अच्छी तरह से ताना बाना बुना हुआ होता है उस कहानी का, और विदाउट अ सिंगल सुपरफ्लो सेक्शन, बिना फालतू के लंबे लंबे डायलॉग्स और सुपरफ्लो एक्शन के बिना एक अच्छा ड्रामा होता है ये वन एक्ट प्ले। द वन एक्ट प्ले आर बींग पेट्रोनाइज्ड यूनिवर्सली बाय द आर्टिस्ट, डायरेक्टर्स एंड प्रोफेशनल एक्टर्स। और आज के समय में जो वन एक्ट प्ले है यूनिवर्सली उनको पैट्रोनाइज किया गया है, संरक्षण दिया गया है, यानी कि अपना लिया गया है किसके द्वारा, आर्टिस्ट के द्वारा, डायरेक्टर्स के द्वारा और प्रोफेशनल एक्टर्स के द्वारा। फेमस वन एक्ट प्ले कौन कौन से हैं, अ नाइट इन एन इन, राइडर्स टू द सी, वुमेन एट वॉर, किसके द्वारा लिखे गए हैं, लॉर्ड डनसन, जेम्स सिंच एंड एडवर्ड पर्सी। ये कुछ उदाहरण है और अभी तो भरमार है वन एक्ट प्ले की क्योंकि यही वर्तमान में ज़्यादा फेमस है। उसके बाद हम देख लेते हैं क्या है क्रॉनिकल प्ले, इनको हिस्टोरिकल प्ले भी कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, हिस्टोरिकल प्ले भी कहे जाते हैं क्रॉनिकल प्ले। और हिस्ट्री जैसे कि हिस्टोरिकल है तो ये इसमें बिल्कुल फैक्चुअल ही समय के हिसाब से समयबद्ध रूप से लिखे जाते हैं, सही समय जो है उसी कब किस समय जो घटना घटी वही इसमें लिखी जाती है। तो क्या है देख लेते हैं पहले तो हम, ये इज अ प्ले डीलिंग विद हिस्टोरिकल इवेंट्स, फैक्ट्स एंड हिस्टोरिकल पर्सनेज। ये हिस्टोरिकल इवेंट्स लिखे जाते हैं इसमें और जो कि या फिर कोई हिस्टोरिकल पर्सन है, राजा, सम्राट जो भी है उसके बारे में लिखा जाता है, एन इम्पॉर्टेंट और फेमस पर्सन एज अ रॉयल पर्सनेज। दीज प्लेस बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज एंड दे रीच्ड परफेक्शन इन द हैंड ऑफ शेक्सपियर। ये जो प्ले हैं पॉपुलर कब हुए हुए थे, स्पेशली तो एलिजाबेथन एज में, यह क्वेश्चन बन सकता है भाई कब ये ज़्यादा फेमस हुए क्रॉनिकल प्ले, तो एलिजाबेथन एज में हुए और सबसे अच्छे तरह से किसने लिखे, तो शेक्सपियर ने लिखे फ्रेंड्स, ये एसएस शेक्सपियर है। ये परफेक्शन जो आया इन प्लेज में तो शेक्सपियर के द्वारा ही आया और ये कुछ शेक्सपियर के प्ले हैं, उन्होंने कुल 10 क्रॉनिकल प्ले लिखे, हिस्टोरिकल प्ले लिखे, किंग जॉन, रिचर्ड टू, हेनरी फोर, हेनरी सिक्स, रिचर्ड थ्री, ये ट्रेजेडी, हेनरी एट, एडवर्ड थर्ड, हेनरी फोर, हेनरी फाइव, हेनरी सिक्स, ये सारे शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए हिस्टोरिकल प्ले या फिर क्रॉनिकल प्ले हम इनको कह सकते हैं ये हैं। और इसके बारे में देखिए, अ क्रॉनिकल इज़ अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे हैपन्ड। यहाँ से आपका और भी क्लियर हो जाएगा, ये क्रॉनिकल जो होते हैं क्या होता है, रिटन रिकॉर्ड होता है, जो भी घटनाएं घटी हैं उनका बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के हिसाब से उसका लिखित में जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसे हम क्रॉनिकल कहते हैं। और उसी वे में उन्होंने जो प्ले लिख दी है, जो भी घटित होता गया राजा महाराजाओं की लाइफ में समय के साथ साथ उन्होंने वो लिखा, तो वो हो गया हमारे क्रॉनिकल प्ले। तो फ्रेंड्स आज हमारे फॉर्म्स ऑफ ड्रामा पूरे कम्प्लीट होते हैं और अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स और प्लस हमारे फॉर्म्स ऑफ प्रोज, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के इस लेसन में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।